तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के हसूल के लिए दायर अपील पर समाअत के लिए अदालत उज़्मा की जानिब से बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अपील पर समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसर्रत हिलाली शामिल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम देते हुए जमात से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को धमकियां नहीं दी। कमर अदालत में साफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। उनका कहना था कि इमरान खान ने कहा था कि 90 दिन में इंतखाबात ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतन मिनुल्लाह ने नोट लिखा था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, वक्त पर इलेक्शन ना करवाने पर आर्टिकल 6 लगेगा। साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन आसिफ जरदारी का कहना है कि अगर मौका मिला तो सुई के इलाके में गैस पाइपलाइन डालकर हर घर को गैस फराहम करेंगे। डेरा बुकती में इंतखाबी जलसे से आसिफ अली जरदारी ने मुख्तसर टेलीफोनिक खिताब में कहा कि अगर मौका मिला तो हम सुई के इलाके में गैस पाइपलाइन डालकर हर घर को गैस फराहम करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद होने के बाद दावा किया कि इन्हें इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुआशरा अच्छाई बुराई पर होता है, अच्छाई ख़त्म तो मुआशरा ख़त्म। मुझे सज़ा दी जा रही है कि मैंने ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश की।